बांदा से है, जहां पर एक महिला ने अपने पति पर बुरी तरह मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ना सिर्फ उसके पति ने उससे मारपीट की है, बल्कि ताउम्र उसे गुलाम बनकर रहने का फरमान भी सुनाया है। महिला ने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ शादी के बाद भी आगे पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई थी। जब उसकी पढ़ाई की चाहत जिद में बदल गई तो पति ने मारपीट की और उसकी सारी किताबें भी फाड़कर फेंक दी। पीड़िता ने पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दहेज को लेकर, दहेज के लिए परेशान करते थे, जो भी लाइयो, कचरा पट्टी लेकर निकलो घर से, बोरिया बिस्तर बांध के निकलो वगैरह, अब शब्द बोलना, गाली गलोच करना। और मैं पढ़ने जाती थी तो कई बार क्या कहते हैं, मुझे रोका गया कि चलो अंदर चलो, हटो स्कूटी से, अपनी किताबें लेकर अंदर चलो, नहीं जाना है कॉलेज, नहीं पढ़ना है। और फिर मेरे पति ने मेरा बैग फाड़ दी, किताबें वगैरह, और पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरी गुलाम मत करो। शादी कब हुई थी? 16 दिसंबर 2022 को। कभी आपने पति से पूछा क्यों नहीं पढ़ना देना चाह रहे? क्योंकि उनके घर वालों ने वादा किया था, उनका कहना ये है कि मेरे घर वालों ने वादा किया था पढ़ाई लिखाई का, तो वो जाने, और मेरे पास नहीं है पढ़ाने के लिए। और वहीं बाराबंकी में आईएएस अधिकारी दिव्या सिंह की गाड़ी से नीली बत्ती उतारने पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इस पूरे मामले में डीएम से जब शिकायत की गई, डीएम ने एसपी पर नाराजगी भी जताई, जिसके बाद नीली बत्ती उतारने वाले एसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल बुधवार को बाराबंकी की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिव्या सिंह की गाड़ी रोककर पुलिसकर्मियों ने नीली बत्ती उतरवा दी थी और इसका वीडियो वायरल कर दिया था। जब इसकी जानकारी डीएम को लगी तो उन्होंने एसपी से कड़ी नाराजगी जताई, जिसके बाद एसपी ने दोनों एसआई विशुन कुमार शर्मा और मनोज कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के पटेल तिराहे पर गाड़ी से बत्ती उतरवाई गई थी। सीएम योगी ने हालांकि वीआईपी कल्चर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके तहत गाड़ियों से बत्ती और हूटर उतारे जा रखे हैं, और इसी आदेश के तहत दोनों दारोगा ने आईएएस की गाड़ी से नीली बत्ती उतरवाई थी। खबर देवरिया से, जहां पर महन इलाके में ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, 12 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में 30 से 40 सवारियां सवार थी। हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज और स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर रायबरेली से है, यहां पर बेसमेंट में बने गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। गोदाम में एक बिस्किट कंपनी के बेकरी के आइटम रखे गए थे और आग लगने से लगभग 45 लाख का नुकसान हुआ है। गोदाम बेसमेंट में होने के चलते आग बुझाने के लिए जेसीबी से छत तक तोड़नी पड़ी है। मामला सलोन तहसील के सलोन कस्बे का है। सूचना पाकर फौरन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन गोदाम बेसमेंट में होने के चलते इसे बुझा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। आग बुझाने के लिए मौके पर जेसीबी बुलाकर छत काटकर आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह बड़ा नुकसान हुआ है। गोदाम के बेसमेंट में आग लग गई और जेसीबी को बुलाना पड़ा, गोदाम की छत काटी गई और उसके बाद फायर फाइटर्स ने पानी की बौछारें की और इस आग को बुझाया। जेसीबी से छत तोड़कर इस आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि एक बिस्किट कंपनी से जुड़े हुए उत्पाद यहां पर रखे गए थे, ये आग तेजी से फैलती गई।